दोस्तों, ये अरबी की सब्ज़ी है, दम अरबी है ये, और कितनी डिलीशियस लग रही है ना देखने में, और कितनी ग्रेवी देखिए इसकी, कितनी गाढ़ी है। तो ये मैं चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा वरना आप कुछ चीज़ें स्किप कर जाएंगे। दम अरबी बनाने के लिए ये अरबी ली है मैंने, और ये बॉईल की है, ये पूरी तरीके से बॉईल नहीं है। एक विसिल लेके हमने गैस को बंद कर दिया था, और ये बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी हैं। अब इनको मैंने फिर फ्रिज में रख दिया था, तो अब मैं इनको हाफ कट कर लूँगी, जो बड़ी हैं साइज में, जैसे ये बड़ी हैं इनको मैं हाफ कट कर लूँगी, और जो छोटी हैं उनको नहीं कट करने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैश नहीं हो रही हैं, अंदर से थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी हैं, हल्की सी हाफ बॉइल्ड में। इस तरीके से मैं इन्हें सबको कर लूँगी। तो ये कट कर लिए मैंने, पीसेस कर लिए इनके, और अब हम इन्हें हल्के हल्के फोर्क की हेल्प से इनको ऐसे इस तरीके से, जैसे आलू दम आलू बनाते हैं उनमें भी हम इस तरीके से छेद करते हैं, तो इस तरीके से मैं इनमें छेद कर दूँगी अच्छी तरीके से चारों तरफ से, और इस तरीके से मैं सारी अरबी को करके रख लूंगी। और ये इस तरीके से सारी अरबी कर लूंगी मैं, और आप पूरी रेसिपी देखें मेरी, क्योंकि मैं बहुत खास इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाऊंगी इसे, और आप भी एक बार बनाएंगे जरूर, पे देख के आपका मन करेगा जरूर बनाने का। तो देखिए ये मैंने सारी अरबियों को कर लिया है, गोद लिया है कांटे की मदद से। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैंने लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, और ये है मैगी मसाला, जो मैगी के पैकेट में निकलता है, तो बच्चों के लिए मुझे कम यूज करती हूँ तो ये बच जाता है, ये मैं सब्जी मसाले की तरह यूज कर लेती हूँ। फिर आधा चम्मच है इसमें करीब, ये मैंने सब इसमें ऐड कर दिया, और आधा चम्मच से थोड़ा कम सॉल्ट। अब हम इनको सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इनको मिक्स करके मैं फिर मैं इनको रख दूंगी आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, जिससे कि मसाले इससे अच्छे से कोट हो जाएं। ये देखिए ये मसाले अच्छी तरह कोट हो गए हैं इसमें। अब मैं इसको ढक के आधे घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद इसको हम निकालेंगे आधे घंटे बाद। तब तक मैं बनाती हूँ ग्रेवी, ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। तो चलिए अब अरबी के लिए ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये ली हैं दो प्याज ली हैं, जो मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर ली हैं, इनको आप कद्दूकस में भी ग्रेट कर सकते हो। और ये टमाटर लिया है, एक बड़े साइज का टमाटर है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक। दो हरी मिर्चें ली हैं, और एक कटोरी हरा धनिया है जो चॉप कर लिया है, अदरक है आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, और ये मूंगफली के दाने हैं जो इसमें हमारी अरबी की सब्जी में एक अलग सा टेस्ट देंगे। और आप को मैं बताऊंगी, इनको पहले मैं रोस्ट करूंगी उसके बाद मैं इनको ऐड करूंगी। और ये है कसूरी मेथी। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने ये कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए, तो मैं इनको ड्राई रोस्ट कर लूंगी पहले। इनको ड्राई रोस्ट करके और फिर इनका फाइन पाउडर बना के रखना है मुझे, जो हम ग्रेवी में यूज करेंगे अरबी की। ये मूंगफली मैंने रोस्ट कर ली थी, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैं कढ़ाई में सरसों का तेल ले रही हूँ, ये आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं जो आप यूज करते हो। और इसमें हमने जो मैरिनेट करके रखी है अरबी, उनको हम फ्राई करेंगे पहले। ये देखिए ये अरबी अच्छे से मसाला इन पे चिपक गया है, एक एक अरबी पे। अब ये तेल जब गर्म हो जाएगा, धुआं देने लगेगा, तो मैं फिर इसमें इनको फ्राई कर लूंगी। ये ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं आराम से एक एक पीस इसमें अरबी का ऐड करती जाऊंगी।
और हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनको हमें जब ये फ्राई करेंगे हम तो बहुत धीरे धीरे पलटेंगे इन्हें, जिनसे कि इनका मसाला जो है ना हटे ना, मसाला इसके ऊपर ही रहना चाहिए और अच्छे से करारी हो जाएंगी ये अरबी। ये देखिए ये अरबी अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूंगी, खूब अच्छे से करारी हो गई हैं, ये कुरकुरी हो गई हैं। चलिए अब इन्हें निकालते हैं और तैयारी करते हैं इनकी ग्रेवी की। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये सरसों का तेल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। और जब वो पक गया था तो मैंने उसमें जीरा ऐड कर दिया था, और जब जीरा चटकने लगा उसके बाद मैंने उसमें प्याज ऐड कर दिए जो मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखी थी, और इसको हम खूब अच्छी तरह भून लेंगे। अब ये प्याज भून चुकी है, अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। तो कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाला, अदरक और हरी मिर्च सब ऐड करके इसको हमने अच्छे से भून लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया। फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड करके और इसको भून लिया, और जब वो घी छोड़ने लगा तो मैंने मूंगफली जो रोस्ट करके पीस के रखी थी वो मैंने इसमें मिला दी है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको भूनती चली जा रही हूँ। तो देखिए ये अच्छे से घी छोड़ने लगेगा मसाला, और इसमें जो हमारा मूंगफली का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है, और ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको बताना चाह रही थी। तो आप भी जब भी बनाएं इसी तरीके से बनाएं, दम आलू बनाएं या दम अरबी बनाएं, तो मूंगफली को रोस्ट करके और ग्राइंड करके ज़रूर ऐड करें, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी का और ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाती है उससे। अब मैंने इसमें अरबी ऐड कर दी है और उसको ढक के रख दिया है, ढक के पकाऊंगी मैं उसको। पानी भी ऐड कर दिया था मैंने, और ये देखिए करीब 15 मिनट बाद पका के और ये मेरी अरबी तैयार है। कितनी डेलीशियस लग रही है ना।